सिमरनजीत सिंह मान श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के प्रधान जो आखते सन कि मेरी कौम मैनू वोटा नहीं पाती, पर इस बार संगरूर वालिया ने उन्हां दा ही उलामा ला दिता अते सिमरनजीत सिंह मान तीसरी बार मैंबर ऑफ पार्लीमेंट बने। आखिर एक IPS ऑफिसर किवें खालिस्तान प्रेमी बनिया अते अपनी नौकरी तो अस्तीफा दे के जेलां कट्टियां ते फिर जेल दे विच बैठिया ने ही चोणां जित लईयां। आओ जान लैने आ सिमरनजीत सिंह मान का जन्म 20 मई 1945 लैफ्टीनेंट कर्नल जोगिंदर सिंह मान के घर गुरबचन कौर की कुखों शिमला में होया। उन्होंने अपनी मुढ़ली पढ़ाई शिमला तो की अते फिर गौरमेंट कॉलेज चंडीगढ़ विखे चले गए। पढ़ाई दे विच सिमरनजीत सिंह मान काफ़ी होशियार सन। उन्होंने हिस्टरी, पंजाबी, रिलीजन अते पोलिटिकल साइंस विषयां दे विच गोल्ड मैडल भी हासिल किया। सन दे विच उन्होंने अपना IPS का पेपर पास किया। 1967 उन्होंने अपनी पुलिस की नौकरी शुरू की। वह ASP लुधियाना, SSP फिरोजपुर, SSP फरीदकोट, कमांडेंट ऑफ पंजाब आर्मड पुलिस और ग्रुप कमांडेंट ऑफ CISF बॉम्बे भी रहे। दसिया जाता है कि जब CM दरबारा सिंह ने 1981 दे विच चल रहे शांतमई धरने ते बेरहम प्रतिक्रम दिता सी तां सिमरनजीत सिंह मान ने इसकी आलोचना की सी। सिमरनजीत सिंह मान का परिवार धार्मिक ख्याली सी, जिस कारण वह संत जरनैल सिंह भिंडरांवालिया तो काफ़ी प्रभावित सन। वो आखते हैं कि मैं संतां नूं कहा सी कि तुहानूं जो भी मदद चाहिए है मैं ते मेरा परिवार हमेशा हाजिर हाँ। इसका ही कारण रहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार दे रोस वजों 18 जून 1984 नूं उन्हां पुलिस की नौकरी तो अस्तीफा दे दिता। वो कहिंदे ने कि कौम का मेरे परिवार उपर बहुत करजा है, तो मैं सोचा कि अस्तीफा दे के वह करजा उतारिया जाए। फिर 1984 तो 1999 तक सिमरनजीत सिंह मान जेल में रहे। सिमरनजीत सिंह मान का जेल वाला सफ़र कोई सौखा नहीं सी। वो आखते हैं कि जेल दे विच मैनू भारी तशद्दुद का सामना करना पिया। जेल दे समय नू याद करदिया वो आखते ने कि जेल दे विच सर्दी बहुत लग्या करती सी, तां मैं रात समय ठंडे पानी दे नाल नहा लैंदा सी तां जो शरीर थोड़ा गर्म होवे अते अपने बैरक दे विच बने थड़े दे उपर अखबार विछा लैंदा सी तां जो मैनू ठंड घट लगे। इत्थे इह वी दसदे चलीए कि सिमरनजीत सिंह मान नू राजनीति दी गुड़ती परिवार तो ही मिली, क्योंकि 1937 दे विच उन्हां दे पिता जोगिंदर सिंह मान MLA रहे। हालांकि बाद दे विच ओह राज्यसभा मैंबर अते पंजाब दे स्पीकर भी बने। 1999 दा ओह समां सी जद सिमरनजीत सिंह मान ने जेल विच बैठ के लोकसभा चोणां लड़ियां अते 11 सीटां उन्हां दे हिस्से भी आईयां, पर 1990 दे विच उन्हां ने मैंबर ऑफ पार्लीमेंट तो अस्तीफा दे दिता, क्योंकि उन्हां नूं किरपान दे नाल पार्लीमेंट हाउस दे विच दाखिल होण दी इजाजत नहीं मिली। किरपान नाल रखण दे सवाल दा जवाब दिंदिआं ओह आखदे ने कि किरपान राजपाग दी निशानी है अते साडी कौम राज करन वाली है। ओह आखदे ने कि साडा संविधान सानूं इह कहिंदा है कि एक सिख अपने नाल किरपान रख सकता है। अस्तीफे तो बाद ही श्रोमणी अकाली दल नालों सिमरनजीत सिंह मान दे वखरेवे शुरू होए अते 1994 दे विच उन्हां अपनी अलग पार्टी श्रोमणी अकाली दल अमृतसर दा गठन किया। आख्या यह भी जाता है कि जिस वेले पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल होंदे सन अते सिमरनजीत सिंह मान पुलिस दे विच सन, उस वेले सिमरनजीत सिंह मान दी प्रकाश सिंह बादल दे नाल बेहद मित्रता सी। श्रोमणी अकाली दल अमृतसर की टिकट के उपर सिमरनजीत सिंह मान ने 1999 दे विच चोण लड़ी अते हो जित गए। फिर उन्हां 5 साल लोकसभा हलका संगरूर दे लई काम भी किया। 2004 दे विच उन्हां दा कार्यकाल खत्म होया तां उह लगातार 5-6 वार चोणां तां लड़े पर कदे भी जित उन्हां दी झोली विच ना पई। इसका ही कारण सी कि उह अक्सर आखते दिखाई देंदे सन कि मेरी कौम मैनूं वोट पता नहीं क्यों नहीं पाउंदी। इसे दौरान समा 2022 दीआं विधानसभा चोणां दा आउंदा है अते सिमरनजीत सिंह मान अमरगढ़ तों चोणां लड़दे ने, पर 2022 दीआं विधानसभा चोणां दे विच भी उह आम आदमी पार्टी दे उम्मीदवार जसवंत सिंह गज्जण माजरा तों 6043 वोटां दे फर्क दे नाल हार जांदे ने। इत्थे एक बार फिर निराशा उन्हां दी
ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 5000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਲਾਮਾ ਏ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ 2022 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਉਲਾਮਾ ਸਦਾ ਲਈ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਗੀਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਾਨ, ਪੁੱਤਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਦੋ ਧੀਆਂ ਪਵਿੱਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਨਾਨਕੀ ਕੌਰ ਹਨ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਗੀਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਾਨ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਹਨ।